Assalamualaikum, very good morning my beautiful ladies and my YouTube family and my Facebook family. क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह सो फार हम भी ठीक हैं, मजे में हैं. आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही यम्मी, बहुत ही जबरदस्त, झटपट घर में बनने वाला मिल्क केक. आप बनाएंगे, खाएंगे तो बस हलवाई को भूल जाएंगे. तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ. हमें चाहिए 2 लीटर दूध. 2 लीटर दूध को हमने पका के 1.25 लीटर कर लेना है, ठीक है? तो इस पे लगेंगे 30-40 मिनट. तो मैं मिलती हूँ जब ये आधा हो जाएगा, तो फिर आपको दिखाऊँ. चलें जी, अब दूध हमारा सूप के तकरीबन 1 लीटर रह चुका है. अब हम इसमें डालेंगे, आंच मैंने इसकी हल्की कर दी है, हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर लेमन का जूस. और उसके बाद हम हलाएंगे नहीं, फ्यू सेकंड के लिए. इसमें आप फटकड़ी भी डाल सकते हैं, ठीक है जी. आंच मैंने फिलहाल बंद ही कर देती हूँ. इसमें आप फटकड़ी भी डाल सकते हैं फ्यू सेकंड के लिए. हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे ताकि इसमें सही से फुटियाँ बन जाए ना, क्योंकि हमने इसको एक्चुअली फाड़ना है दूध को. चले जी, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे शुगर 1 कप. लेकिन मैं शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए शुगर ज़्यादा अच्छी नहीं होती. हम करेंगे इसमें जिगरी का इस्तेमाल, मीन गुड़ का इस्तेमाल, ठीक है. इक्वल टू मैं डालूंगी 1/2 कप डालूंगी, लाइक इतना मैंने इसको पीस के रख लिया था, क्योंकि मेरे पास ब्राउन शुगर नहीं थी. मैंने इसलिए फिर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, ख़त्म हुई हुई थी. तो अब हम इसको खूब पकाएंगे, ठीक है. अब इसका हम इसको मीडियम टू हाई आंच पे पकाएंगे. अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ देसी घी, ठीक है जी. ये मैं स्पून छोटा है इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ. चलें जी, इसको हम तब तक आप भूनेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन या कैरामिल कलर नहीं हो जाता. तो उसमें आप डिपेंड है आपकी हीट के ऊपर कि वो 5 मिनट लगते हैं 10 मिनट लगते हैं. तो मिलती हूँ फिर जब ये ब्राउन होता है, उसके बाद का प्रोसीजर दिखाते हैं मैं. चलें जी, अब इसका कलर ऑलमोस्ट कैरामिल की तरह हो चुका है. शायद आपको कैमरे में सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा. इसका कलर बहुत ज़बरदस्त देखने मिठाई की तरह हो चुका है. अब हम इसका स्टोव मैंने बंद कर दिया है. अब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आता है तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, ठीक है जी. तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ डिश आउट करने के बाद. अगर घी मैंने डाला है कम, अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो आपकी अपनी मर्जी है. आप घी की क्वांटिटी अप साइड डाउन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मगर मुनासिब इतना ही है ताकि हर बंदा खा सके, ठीक है जी. चलिए जी, अब मैंने इसमें डाल दिया पार्चमेंट पेपर लगा के, और इसको आप सेट कर लें अच्छे से स्पून के साथ, इक्वली कर लें. और इसको ओवरनाइट हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे. रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसको रात को पूरी रात इसको फ्रिज में रखेंगे. तो उसके बाद फिर हम इसको कल काटेंगे, आज हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है. तो मिलते हैं फिर ओवरनाइट के बाद. चलें जी, मिठाई हमारी होगी रेडी. ओवरनाइट हमने रखा था फ्रिज में, अब हम इसको निकालेंगे और इसको हम करेंगे उल्टा या सीधा जैसे आपको रखना है. हमने इसको काटना है. अब हम बिस्मिल्लाह करके काटेंगे. ये अब आपने चूज़ करना है कि आपने पीसीस कितने करने हैं, इतने करने हैं या इससे बड़े करने हैं, मगर मैं इतने ही करूँगी ताकि कम से कम स्वीट हमारे पेट में जाए. कैसी ज़बरदस्त हलवाई स्टाइल बनी है, माने या ना माने, ये खाएंगे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा. अब हम इसके और स्क्वायर पीस करेंगे, जितने जितने आपको चाहिए ना, साइज आपके ऊपर डिपेंड है. आपने 3 इसके 2 पोर्शन करने हैं या 3 करने हैं, मगर मैं 3 करूंगी. वही बात कि हमें कम से कम मीठा खाना है, मगर है बड़ी ज़बरदस्त वैसे. अभी इसको हम डेकोरेट करेंगे थोड़ी सी, फिर और अच्छी लगेगी. चलें जी, मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया चांदी का वर्क, और थोड़ा सा मैंने पिस्ताशो डाल दिया. आप इसका क्लोजअप देख सकते हैं, आप इसको दूर से देख सकते हैं, और फिर आप बना के इसको खा के देख सकते हैं. इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी है कि आप बस कहेंगे कि हम तो रोज़ ही बनाएं और रोज़ ही खाएं. तो चलो, इसके साथ ही मैं करती हूँ वाइंड अप. मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ. प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा. तब तक के लिए कीजिए को इजाज़त दीजिए. अल्लाह.